नमस्कार दोस्तों, अपन पटवार का फिजिक्स वाला दूसरा लेक्चर अभी ले रहे हैं, जिसमें अपन बल के बारे में देखेंगे। उससे पहले भी अपन ने दो तीन वीडियो जो हैं वो डाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अभी अपन देखते हैं बल तथा उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको अपन देखेंगे। बल जिसे फोर्स कहा जाता है, बल जिसे फोर्स कहा जाता है, बल होता क्या है वैसे? बल वो कारक है जो किसी वस्तु की के आकार में परिवर्तन कर दे, या फिर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ला दे, या फिर स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में ला दे, उसी को बल कहा जाता है। बल वह है कारक या भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन गति में परिवर्तन या स्थिर वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में ला दे, उसी को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। बल का अब हम देखते हैं बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक, बल के का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, जबकि सीजीएस मात्रक डाइन है। ऐसा ही मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस मात्रक डाइन है। एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है, एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है। और ये जो क्वेश्चन है, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ये क्वेश्चन आया था रिट 2018 में। रिट 2018 में जो साइंस का क्वेश्चन आया था, इसमें फिजिक्स में ये एक क्वेश्चन आया था, एक न्यूटन बराबर कितना होता है 10^5 डाइन। तो ये इसके मात्रक हो गए। ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है, जबकि सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन है। तथा बल, एक बल जो है, बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? बल एक सदिश राशि है। और अदिश राशियों से संबंधित जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसको अपन ने पहले देख लिया है, जिसमें सारी जितनी भी सदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, उसकी ट्रिक सहित अपने इसको बताया है, तो आप इसको जाके देख लें। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन और डाइन। ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, और सीजीएस मात्रक इसका क्या है? डाइन है। एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है। तो ये तो इसके मुख्य मुख्य चीजें हो गई। आप देखते हैं बल होते कितने प्रकार के हैं, प्रकृति में कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं। प्रकृति में मुख्य रूप से 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, और एक घर्षण बल 5 प्रकार का पाया जाता है। यानी बल के प्रकार, बल के प्रकार, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल, और चौथा है प्रबल बल। चौथा कौन सा है? प्रबल बल। ये 4 प्रकार के बल मुख्य रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। एक घर्षण बल जो है वो अपन इससे अलग देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबक, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और प्रबल बल। विद्युत चुंबकीय बल जो है, इसको फिर अपन दो भागों में बांटते हैं, स्थिर विद्युत बल
स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। विद्युत स्थिर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल, ऐसा बल जो स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होता हो स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। चुंबकीय बल दो चुंबकीय ध्रुवों के उत्पन्न बीच उत्पन्न होने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विशाल पिंडों के बीच में पाया जाता है। बहुत बड़े जो ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, इन ग्रहों के बीच में जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी परास बहुत लंबी होती है, लेकिन इसको अनुभव किया जाना थोड़ा सा मुश्किल है। सामान्य जीवन में इसे अनुभव नहीं किया जा सकता, जबकि इसकी परास जो है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र पे होती है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, ये दो पिंड हैं ए और बी, कोई भी दो ए व बी पिंड हैं जिनका वजन है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के दो पिंड जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 किलोग्राम के पिंड जिनके बीच की दूरी कितनी हो 1 मीटर हो, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऐसे पिंड जिनका वजन 1-1 केजी हो तथा उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है इसका मान 6.67 × 10^-11 न्यूटन। बल को अपन न्यूटन में मापते हैं इसलिए न्यूटन लिखेंगे, 6.67 × 10^-11 न्यूटन। ये किसके मध्य लगेगा, दो पिंड जिनका वजन 1-1 किलोग्राम है तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा और उसका मान इतना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विशाल पिंडों के बीच लगता है, मध्य कार्यरत ये रहता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के बीच में, चंद्रमा व अन्य जितने भी पिंड है। इसकी परास जो है बहुत ज्यादा होती है। इसकी परास क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, यानी ये लंबी दूरी तक अपना प्रभाव दर्शाते हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको अनुभव किया जाना संभव नहीं है, रियल लाइफ में इसको अनुभव अपन नहीं कर सकते, इसको गुरुत्वाकर्षण बल को। अब अपन बात करते हैं स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल दो आवेश ए व बी के मध्य लगने वाला बल जो है उसी को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। दो आवेश ए व बी के मध्य लगने वाला बल क्या है, स्थिर विद्युत बल है। और इसका मान होगा एप्सिलॉन Q1 Q2 / r2। ये इसका मान होता है F बराबर एप्सिलॉन Q1 Q2 / r2। Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, Q1 आवेश और Q2 आवेश, ये इसका मान होगा। जबकि चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होगा, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल है उसी को चुंबकीय बल कहा जाता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, इसका मान होता है F बराबर एप्सिलॉन m1 m2 / r2। m1 और m2 क्या है, ध्रुव m1 और ध्रुव m2, मैग्नेट से m1 m2 अपन लेंगे और आवेश को क्यू से डिनोट अपन करेंगे। दुर्बल बल, दुर्बल बल जो है ये बल प्रोटॉन व एंटी प्रोटॉन के मध्य लगता है। जैसे कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है उस पर जब अपन न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं तो उससे नाभिक पर उसका प्रहार होता था, तो नाभिक से न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो
न्यूट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल कौन सा है? दुर्बल बल कहलाता है। न्यूट्रॉन व एंटी न्यूट्रॉन के मध्य कार्यरत बल, न्यूट्रॉन व एंटी न्यूट्रॉन के मध्य कार्यरत बल, और इसकी परास जो है परास बहुत कम होती है, 10^-13 मीटर में। 10^-13 परास कम क्यों होगी? क्योंकि परमाणु जो है उसकी संरचना बहुत छोटी है, इसलिए उसके मध्य जो बल कार्य करेगा उसकी परास यानी उसकी लंबाई कम होगी, दूरी उनके बीच में बहुत कम होगी। कितनी होगी परास? 10^-13। प्रबल बल जो है ये नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है, इसकी परास भी बहुत कम होती है, लेकिन इसका ये एक प्रबल बल होता है। बल कौन सा होगा? ये प्रबल, क्योंकि ये जो बल है ये समान आवेशों के मध्य लगता है, समान आवेश। प्रोटॉन जो है वो धनात्मक आवेश है, दो धनात्मक आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो प्रबल बल कहलाता है। दो धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को एक जगह बांधे रखना, नाभिक में जो प्रोटॉन है वो एक ही जैसे चार्ज के हैं, और एक जैसे चार्ज की वस्तु को एक जगह बांधे रखने के लिए बहुत प्रबल बल आवश्यक होता है, लेकिन इसकी परास जो है इसकी परास होती है 10^-15 मीटर, किसकी? प्रबल बल की। तो ये सारे बल हो गए कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल तथा प्रबल बल। अब अपन देखते हैं बल का आवेग। बल का आवेग क्या चीज है? बल का आवेग आवेग जब कोई प्रबल बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लगाया जाता है तो उसे बल का आवेग कहा जाता है। जैसे हथौड़े, कील को हथौड़े से अपन ठोकते हैं तो प्रबल बल जो है वो वस्तु उस कील पर थोड़े समय के लिए लगता है, तो वो बल क्या है? बल का आवेग कहलाता है। जब कोई प्रबल बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है तो उसे बल का आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बल का आवेग। और बल का आवेग जो है, बल का आवेग, आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल, बल इंटू समय अंतराल, यानी बल जो है उसके बीच में कितना समय, अपन ने किल मारी फिर अपन दोबारा मारते हैं तो उनके बीच में समय अंतराल कितना है, तो ये इसका आवेग कहलाता है। आवेग का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन, और समय अंतराल, समय का मात्रक सेकंड। तो आवेग का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकंड। आवेग का मात्र क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकंड। और न्यूटन बल जो है वो एक क्या है? सदिश राशि है, इसलिए आवेग भी क्या होगा? एक सदिश राशि। आवेग क्या है? सदिश राशि। आवेग एक सदिश राशि है, और इसमें बल की दिशा क्या होगी? आवेग में बल की दिशा जो होगी वो आवेग की दिशा ही होगी, बल की दिशा आवेग की दिशा ही होगी।
बल की दिशा क्या होगी, आवेग की दिशा ही होगी। अब इसके उदाहरण है, कौन से क्वेश्चन है उदाहरण, थोड़े से कील को ठोकना, दूसरा बल्ले से गेंद को मारना, तीसरा है गेंद को कैच करना, और कैच करने के लिए अपन हाथ पीछे ले जाते हैं तो वही क्या है, आवेग भी है। तो ये इसके उदाहरण है, बल का आवेग। अब बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल तथा असंतुलित बल। संतुलित बल तथा असंतुलित बल, संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है ये अपन देखते हैं। संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। बल संतुलित किस स्थिति में कहा जाएगा और असंतुलित किस स्थिति में कहा जाएगा, ये कोई पिंड है एक, ये कोई पिंड है ए जिसका वजन 5 kg है। इसका वजन कितना है, 5 kg। इस 5 kg की वस्तु पर अगर इधर से कोई बल F1 कार्यरत हो और इधर से कोई बल F2 कार्यरत हो तथा ये दोनों बल आपस में बराबर हो, यानी ये अगर बल 1 N है और ये अगर बल 1 N है, तो ये जो वस्तु है इस पर लगने वाला बल क्या होगा, संतुलित बल होगा। और संतुलित बल की अवस्था में ये वस्तु जो है ये उसी पोजीशन में बनी रहेगी, यानी इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसमें F1 बराबर क्या होगा, F1 बराबर F2 होगा, इसलिए वस्तु जो है अपनी वर्तमान स्थिति में ही बनी रहेगी। संतुलित बल जब किसी वस्तु पर दो समान बल कार्यरत हो तथा वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न आए, तो इस बल को संतुलित बल कहा जाता है। जैसे रस्साकसी का खेल होता है, रस्साकसी के खेल में अगर दोनों साइड में बराबर फोर्स लग रहा है तो दोनों समान स्थिति में रहेंगे, यानी रस्सी टूट सकती है लेकिन एक साइड वाला इधर नहीं जाएगा, जैसे ही बल ज्यादा लगेगा तो दूसरी साइड वाला उस साइड में जाता है। अब है असंतुलित बल। असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हों तथा उनका ये जो बल है ये असंतुलित अवस्था में, यानी किसी दूसरी तरफ अगर बल कम हो जाएगा तो वस्तु गतिशील होने लग जाती है, उस बल को अपन क्या बोलते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जैसे ये वस्तु ए है जिसका वजन 5 kg, इस पर इस दिशा में 1 N बल और इस दिशा में 1 N बल कार्यरत हो तो ये वस्तु जो है वो इस दिशा में गति करने लग जाती है, ये क्या है, असंतुलित बल है। तो इस अवस्था में वस्तु क्या होगी, गतिशील होगी। जब वस्तु पर कई प्रकार के बल कार्यरत हों तथा वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाए, तो परिणामी बल असंतुलित बल कहलाता है। और इसका प्रभाव क्या होगा,
प्रभाव इसका ये होगा कि अगर कोई वस्तु है वो गतिशील अवस्था में आ जाएगी, वस्तु गतिशील अवस्था में इसमें आ जाती है, ये इसका परिणाम होगा। तो ये हो गया संतुलित बल तथा असंतुलित बल। एग्जाम में इसमें वैसे क्वेश्चन आने के चांस कम है। अब हम बात करते हैं घर्षण बल की। घर्षण बल जो है, घर्षण बल तीन प्रकार का होता है, स्थैतिक, सर्पीय तथा लोटनी घर्षण। स्थैतिक, सर्पीय तथा लोटनी घर्षण। घर्षण बल, घर्षण बल दैनिक जीवन में बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जब चलता है तो उस पर घर्षण बल लगता है, अगर घर्षण बल नहीं लगेगा तो व्यक्ति फिसल कर गिर जाएगा। जहां पर कीचड़ वगैरह हो या फिर तेल बिखरा हुआ हो उस पर घर्षण बल नहीं लगता, उस अवस्था में व्यक्ति गिर जाता है। तो घर्षण बल किसी भी वस्तु के गतिशील होने के लिए आवश्यक है। अपन चलेंगे तो घर्षण बल अपने को चाहिए, साइकिल जो है वो अगर चलेगी रोड पे तो उसके लिए घर्षण बल आवश्यक है। घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में हमेशा कार्यरत रहता है। तो घर्षण बल जो है वो दैनिक जीवन में आवश्यक है, लेकिन घर्षण बल के कुछ ड्रॉबैक भी हैं। जैसे मशीनें जो है वो घर्षण बल के कारण घिसने लग जाती हैं, इसलिए उनमें ग्रीस वगैरह लगाया जाता है। और बड़ी मशीनें जो है उसमें स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन का अपरूप है, लेकिन वो स्नेहक के रूप में कार्य करता है। बड़ी मशीनों में ग्रीस का उपयोग न करके किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। घर्षण बल, घर्षण बल तीन प्रकार का होता है, सीमांत या स्थैतिक घर्षण, सर्पीय घर्षण और तीसरा है लोटनिक घर्षण। तीसरा है लोटनिक घर्षण। तीसरा क्या है? लोटनिक घर्षण। घर्षण बल की बात करें अपन पहले, इसके एक दो चीजें हैं। जैसे ये हमेशा गतिशील वस्तु के गति की विपरीत दिशा में लगता है। किस दिशा में लगेगा? हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। जिस दिशा में, अगर वस्तु इस दिशा में गतिशील है तो घर्षण बल इस दिशा में कार्य करेगा। सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण, सर्पीय घर्षण और लोटनी घर्षण, ये तीन प्रकार के हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है? मान लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर ये एफ बल लगाया जाए तो जो कि एक न्यूटन का है, इस वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाए और इस वस्तु के की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उस पर कार्यरत बल क्या होगा? सीमांत या स्थैतिक घर्षण। जब वस्तु पर कोई बल लगाया जाए तथा वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न आए तो उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। कैसा घर्षण कहेंगे? सीमांत घर्षण कहते हैं। दूसरा है सर्पीय घर्षण। ये वस्तु है, इस पर कोई बल लगाया जाए और ये वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में आ जाए, यानी ये वस्तु गतिशील हो जाए, तो उस वस्तु पर लगने वाला घर्षण कौन सा होगा? सर्पीय घर्षण कहलाता है। जब वस्तु पर बल लगाने पर वह गतिशील अवस्था में आ जाए
घर्षण बल सर्पीय घर्षण कहलाता है। फिर बात करते हैं लौटने घर्षण की। लौटने घर्षण क्या होता है? अगर कोई वस्तु जिसके नीचे इस प्रकार से रोलर लगे हों और इस पर कोई वस्तु इस प्रकार से है, कोई वस्तु जिसके नीचे इस प्रकार से ये रोलर इसके नीचे लगे हुए हैं और इस वस्तु को जब अपन गतिशील करेंगे तो ये रोलर भी घूमेंगे, वस्तु भी घूमेगी, तो इनके मध्य जो घर्षण बल लगेगा वो कौन सा होगा? लौटनी घर्षण, यानी वो इस प्रकार से घूमता है। तो इस घर्षण को क्या कहेंगे अपन? लौटनी घर्षण कहेंगे। जब दो वस्तु एक दूसरे पर गतिशील हो तो उस घर्षण को लौटनी घर्षण कहते हैं। तो ये तो हो गया लौटनी घर्षण। अब इन तीनों घर्षणों में कौन सा घर्षण ज्यादा प्रभावी है वो अपन देखेंगे। तो सीमांत घर्षण जो है उसका मान ज्यादा होगा किसकी बजाय? सर्पीय घर्षण की बजाय। और सर्पीय घर्षण का मान ज्यादा होगा किसका, किसकी बजाय? लौटनी घर्षण की बजाय। क्वेश्चन आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन सा घर्षण जो है घर्षण बल उसका मान सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान सर्वाधिक किसका होगा? सीमांत घर्षण का। और लौटनी घर्षण का मान सबसे कम होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ ले कि ये तीन बल कार्यरत हैं किसी वस्तु पर, तो कौन से घर्षण में वस्तु ज्यादा गतिशील रहेगी? तो लौटनी घर्षण में वस्तु ज्यादा गतिशील रहेगी। तो ये है घर्षण बल। और घर्षण बल पर अब अपन देखते हैं इसके दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसके क्या क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? पहला, घर्षण बल के कारण व्यक्ति चल पाता है, व्यक्ति चल पाता है। दूसरा, सड़क पर वाहन चल पाते हैं। कीचड़ में वाहन के टायर का घूमना, यानी वो कीचड़ में फंस जाता है टायर, इस प्रकार से घूमता रहता है। किसके कारण? क्योंकि उसमें घर्षण बल नहीं लगेगा। घर्षण बल लगेगा तो टायर आराम से चलेगा, गाड़ी आगे गतिशील हो जाएगी। अगर घर्षण बल नहीं लगेगा तो टायर वहीं घूमता रहेगा। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर है वाहनों व मशीनों में बेयरिंग लगाए जाते हैं ताकि घर्षण बल कम हो। वाहनों के पुर्जे हैं उनको घिसने से बचाने के लिए अपन क्या लगाते हैं? उसमें बेयरिंग लगाते हैं तथा ग्रीस का उपयोग भी करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि बड़े जो उद्योग हैं, बड़े उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बड़ी मशीनों में घर्षण बल कम करने हेतु ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में करते हैं। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप। कार्बन के तीन अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट व फुलरीन। तो ये क्या है इसका? कार्बन का अपर रूप कौन है? ग्रेफाइट है। तो ये आपके हो गया घर्षण बल।
अब दो बल और बचते हैं, अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बल। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिकेंद्रीय तथा अपकेंद्रीय बल, इनकी अपन एक साथ चर्चा कर लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल और दूसरा है अपकेंद्रीय बल। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ऐसा बल जो केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्रीय बल, जबकि ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। मानो कि ये कोई वर्ताकार पथ है, इस वर्ताकार पथ में कोई वस्तु गतिशील है, इस वर्ताकार पथ में कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी उसमें बल की दिशा इस प्रकार होगी, यानी वो गतिशील इस दिशा में होगी। बल की दिशा तो इसमें सेंटर की तरफ होगी, इसमें बल की दिशा केंद्र की तरफ होगी, जबकि ये वस्तु जो है वो गतिशील किस अवस्था में होगी, इस अवस्था में होगी, और इसकी स्थिति में बार बार परिवर्तन होता रहता है। यहां पर ये वस्तु, अगर ये फोर्स जो है, ये फोर्स अगर बंद हो जाए तो ये वस्तु बाहर की तरफ जाएगी। जब तक ये फोर्स अंदर की तरफ कार्यरत है, ये वस्तु इसके अंदर घूमती रहेगी। इस प्रकार से ये वस्तु जो है वो घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बल क्या है, केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा बल जो किसी वस्तु, गतिशील वस्तु के केंद्र की तरफ लगे उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसमें भी वस्तु वर्ताकार पथ में ही घूमेगी इस प्रकार से, और ये इसका केंद्र हो जाएगा। तो इसमें बल जो है वो हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। किस तरफ लगेगा? हमेशा बाहर की तरफ बल कार्यरत रहता है। तो इसमें ये तो वेग है इसका, ये क्या है? इसका वेग है, ये इसका वेग है, जबकि ये बीच में जो है ये क्या है? ये फोर्स है। ठीक है, यानी अभिकेंद्रीय बल में तो फोर्स लगता है परिधि से केंद्र की तरफ, जबकि अपकेंद्रीय बल में बल लगता है केंद्र से परिधि की तरफ। तो इन दोनों में अंतर समझना है अपने को। अभिकेंद्रीय बल तथा गति के तृतीय नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? गति के द्वितीय नियम व तृतीय नियम पर आधारित। गति के द्वितीय नियम व तृतीय नियम पर आधारित। इसमें जो त्वरण है, त्वरण की दिशा हमेशा बदलती रहती है। त्वरण की दिशा कैसे बदलती रहेगी? ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बदल रही है इसकी। अभी इस तरफ है, थोड़ी देर बाद इस तरफ हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इस तरफ हो जाएगी, यानी त्वरण की दिशा जो है वो क्या है, बदल रही है। लेकिन इसमें त्वरण की दिशा बदल रही है, लेकिन त्वरण हमेशा किस तरफ होगा? इसमें केंद्र की तरफ होगा। बल व त्वरण केंद्र की ओर लगते हैं। इस तरफ लगेंगे, केंद्र की ओर लगते हैं। केंद्र की ओर लगने के कारण ही ये वस्तु जो है वो हमेशा वर्ताकार पथ में गतिशील रहेगी। इसके उदाहरण है, दैनिक जीवन में इसके क्या क्या उदाहरण है वो अपन देखते हैं। पहला उदाहरण है, किसी डोरी से पत्थर को इस प्रकार से अपन घुमाते हैं और वो तब तक घूमती रहती है जब तक उस डोरी जो है उसके केंद्र में एक बल कार्यरत हो। जब अपन किसी डोरी को इस प्रकार से घुमाएंगे, वो डोरी के ऊपर पत्थर बांध के इस प्रकार से घुमाएंगे, तो तब तक घूमती रहेगी जब तक उसके केंद्र में बल कार्यरत हो, यानी केंद्र की तरफ
बल कार्य, जैसे ही अपन उस रस्सी को छोड़ेंगे तो रस्सी को छोड़ते ही वो सरल रेखीय गति में आगे की तरफ बाहर निकल जाती है, वर्ताकार पथ को छोड़ देती है फिर वो, ठीक है। तो उस पर कब तक ये, कब तक अभिकेंद्रीय बल रहेगा, जब तक अपन उस रस्सी को पकड़ के इस प्रकार से घुमाते रहेंगे। जैसे ही अपन हाथ से छोड़ेंगे वो वर्ताकार पथ जो है उसको छोड़ देगी और सरल रेखीय दिशा में गति करती है। तो ये पहला इसका उदाहरण ये हो गया, डोरी से पत्थर बांधकर वर्ताकार पथ में घुमाने पर वह तब तक घूमती रहती है जब तक उस पर केंद्र की तरफ बल लगता रहे। इस प्रकार से यहां कोई व्यक्ति है वो रस्सी पकड़ के इस प्रकार से घुमा रहा है और यहां पे पत्थर बंधा हुआ है, ये तब तक घूमती रहेगी जब तक इसके केंद्र की तरफ बल कार्य रहेगा। जैसे ही हाथ से छोड़ेंगे ये जो पत्थर है ये इस प्रकार से सरल रेखीय दिशा में इस वर्ताकार पथ को छोड़ के आगे गति कर जाता है। तो ये इसका तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, यह भी इसका एक उदाहरण है। तीसरा है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल घुमाना, मौत के कुएं में इस प्रकार से मोटरसाइकिल घूमती है तो इसके केंद्र की तरफ बल लगता है जिससे वो गिरती नहीं है। चौथा है मोड़ पर कार या ट्रेन के पहियों के मध्य कार्यरत बल, जैसे ही कोई मोड़ आएगा तो मोड़ पर टायर इस प्रकार से घूमेंगे तो केंद्र की तरफ उनको एक बल लगता है। इसी प्रकार सड़क जो है उसके मोड़ की एक साइड को ऊंचा बनाया जाता है ताकि वाहन जो है उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्यरत रहे और वो मोड़ के टाइम पे उस सड़क को छोड़ के बाहर न निकल जाए। इस प्रकार से सड़क जो है वो इस प्रकार से अगर घूमी हुई है तो ये साइड जो है, ये साइड जो है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है और इसको थोड़ा नीचा रखा जाता है ताकि वाहन जो है आसानी से इस प्रकार से घूम जाए और उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्यरत करे। किसके कारण? इस ऊंचाई के कारण उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करेगा। तो सड़कों को मोड़ पर किनारों से ऊंचा उठाया जाता है ताकि वाहन जो है वो आसानी से घूम जाए। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो यह तो अपन ने पढ़ लिया अभिकेंद्रीय बल, इस पर आधारित है गति के द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम पर यह आधारित है। अब अपन पढ़ते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ऐसा बल जो केंद्र से बाहर की तरफ लगे, केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल, केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल है। यह जड़त्व या छद्म बल कहलाता है।
यानी ये जो बल है इसको अनुभव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, इसलिए इसको अनुभव करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको जड़त्व या छद्म बल भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है, दैनिक जीवन में इसके उदाहरण क्या है, जैसे क्रीम निकालने वाली मशीन, जो क्रीम निकालने वाली मशीन है वो बाहर की तरफ उस दूध को फेंकती है, ठीक है, क्रीम निकालने की मशीन, क्रीम निकालने की मशीन जो है उस पर बल बाहर की तरफ कार्यरत रहता है। दूसरा है मेले में जो चक्रीय झूला होता है, जिस झूले में अपन झूलते हैं मेले में, वो चक्रीय झूला है, उस चक्रीय झूले में जब अपन घूमेंगे तो अपने को बाहर की तरफ एक बल कार्य ऐसे लगता है कि बाहर की तरफ बल लग रहा है, वो बल कौन सा है, अब केंद्रीय बल है। चक्रीय झूले में व्यक्ति पर बाहर की तरफ कार्यरत बल। ड्राई क्लीन मशीन, ड्राई क्लीन मशीन में भी ये बल कार्य करता है। इसका अन्य एक उदाहरण है, जैसे अपन गाड़ियों में चलते हैं तो मोड़ आता है, मोड़ पर गाड़ी जैसे ही घूमती है तो अपने विपरीत दिशा में, इस मोड़ के विपरीत दिशा में अपने को एक बल कार्य होता, अनुभव होता है, तो वो बल किस, कौन सा बल है, अपकेंद्रीय बल। वाहन के मोड़ पर घूमने पर व्यक्ति पर विपरीत दिशा में बल लगता है, और वो बल कौन सा है, अपकेंद्रीय बल। बल कौन सा है, वो अपकेंद्रीय बल। अब इसमें दो चीजें और बच गई, एक होता है टॉर्क जिसे बोलते हैं बल आघूर्ण, एक होता है बल युग्म, बल आघूर्ण तथा बल युग्म। बल आघूर्ण और बल युग्म, बल आघूर्ण तथा बल युग्म क्या चीज है, बल आघूर्ण क्या है, किसी वस्तु को उसके अक्ष के पारित घुमाने पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। इसका फॉर्मूला है बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बल बाहु, बल इंटू बल बाहु, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बल बाहु। इसको आप जब अपना एग्जाम्पल लेंगे उसमें आप आसानी से इसको समझ जाओगे। ये एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि, बल आघूर्ण क्या चीज है, एक सदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। एसआई मात्रक किसका क्या है, न्यूटन इंटू मीटर है। आपने पहले चक्की हुआ करती थी इस प्रकार से, चक्की आटा पीसने की, हाथ से इस प्रकार से घुमाते थे उसको, तो यहां पर उसमें एक इस प्रकार से लगा रहता है जिससे पकड़ के इसको इस प्रकार से घुमाया जाता है, तो ये जो वस्तु है ये इसके अंदर से बाहर की तरफ दूर लगती है, यानी इससे ये क्या होगी, दूर होगी, ठीक है, तो अगर इसके एकदम पास में हो जाएगी तो ये घूमने में थोड़ी घूमने में दिक्कत होगी, क्योंकि इस पर अपने बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको कहां रखा जाता है, दूर रखा जाता है। इसी प्रकार कुम्हार जो है वो घड़ा घड़ा बनाता है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसके लिए वो लकड़ी जो है उसको यहां पे उसमें छेद होता है,
इस प्रकार से चक्के में, तो ये जो क्या कहां होगा, इससे परिधि पे होगा, केंद्र में होगा, तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अपने जो गेट है, गेट पे जो हैंडल लगाया जाता है खोलने के लिए गेट को, वो हैंडल इन कब्जों से दूर लगाया जाता है। यहां पे इस प्रकार से गेट फिक्स है और ये जो इसका हैंडल है ये कहां लगाया जाता है, इनसे काफी दूर लगाया जाता है। अगर इसके पास में लगा देंगे तो गेट खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारे उदाहरण किसके हैं, बल आघूर्ण के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, बल आघूर्ण के उदाहरण है। तो पहला है आटा पीसने की चक्की में हत्था परिधि पर लगाया जाता है। इसी प्रकार गेट का हत्था कब्जों से दूर लगाया जाता है। कुम्हार द्वारा उपयोग किया जाने वाला चक्के पर परिधि पर लकड़ी लगाकर घुमाना, किसका उदाहरण है, बल आघूर्ण का उदाहरण है। इसी प्रकार हेड पंप का जो हत्था होता है वो लंबा रखा जाता है। हेड पंप का हत्था लंबा रखा जाता है ताकि उस पर आसानी से कम बल में ही पानी बाहर निकाला जा सके। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, बल आघूर्ण के उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं बल युग्म की। ये तो हो गया बल आघूर्ण, दूसरा है बल युग्म। बल आघूर्ण दूसरा है बल युग्म। बल युग्म क्या है, बल युग्म है जब किसी वस्तु पर समान बल किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत हो, तो इस प्रकार के बलों को बल युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल युग्म कहा जाता है। इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक इसका न्यूटन इंटू मीटर होता है। ऐसा ही मात्रक क्या है इसका, न्यूटन इंटू मीटर। इसके उदाहरण है, कौन से उदाहरण है, पानी का नल, पानी के नल को खोलने के लिए बराबर बल लेकिन विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना, गाड़ी का जो स्टीयरिंग अपन घुमाते हैं तो इस साइड में घुमाएंगे तो बल जो है वो टायर पे लगेगा लेकिन वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। उसके अपन इस दिशा में बल लगा रहे हैं और टायर पर बल उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगे या फिर दूसरा बल लगे, ठीक है, एकदम विपरीत दिशा में उसके बल लगता है। इस प्रकार से ये हैंडल है, इसको अपन इस दिशा में घुमा रहे हैं तो नीचे जो टायर है उस पर घर्षण बल इस दिशा में कार्यरत रहेगा। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है लेकिन बल क्या है, एक दूसरे के बराबर होंगे हमेशा, ठीक है। तो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना, पानी का नल जो है ये इसके उदाहरण है। इसी प्रकार चाबी से ताला खोलना किसका उदाहरण है, बल युग्म का उदाहरण है।
चौथा है चाबी वाली घड़ी में चाबी लगाना या चाबी भरना। तो और जो छोटे खिलौने आते हैं उसमें भी चाबी भरी जाती है, तो वो किसका उदाहरण है? बल युग्म का उदाहरण है। तो ये हो गया आपके बल से संबंधित जितना भी पोर्शन है वो अपन ने कवर कर लिया। इसमें आगे भी अपन भौतिक विज्ञान की वीडियो डालेंगे, तो आप उसको देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।